आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का सही वर्णन नहीं करता है, ये हमें बताना है। ठीक है, यह बेटा हमारे पास में विकल्प अ, ब, स और ये द। तो बच्चों इसके लिए तो हमें सारे के सारे विकल्प पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो जी हाँ बेटा, तो जो अभी हमारे ये जो निदेशक तत्व जो होते हैं बेटा, उनको इस चीज की अनुमति नहीं होती है कि वो उनको परिवर्तनीय करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेटा ये वाला हमारा एकदम सत्य है, है ना। यानी कि ये तो है। दूसरा जो बोला गया है कि निदेशक तत्व राजनीतिक स्वीकृति करते हैं, तो जी हाँ बेटा ये वाला भी हमारा एकदम सत्य है। ठीक है, और जो अगला है हमारे पास में वो है कि निदेशक तत्व राज्य विधान के लिए उद्देश्यों की घोषणाएं हैं, तो ये वाला भी बेटा हमारे पास में सत्य है। ये तो सारे ही सत्य है, कोई जवाब है या नहीं। अगला देखते हैं कि निदेशक तत्व सभी भारतीयों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख एवं समान आय का वचन देते हैं, तो बेटा ये वाला गलत है, ये वाला नहीं है, इसलिए ये वाला हमारे पास में सही जवाब हो जाएगा। कैसे करके, कि अगर मैं बात करूं बेटा किसका, जो भी हमारे पास में ये जो निदेशक सिद्धांत का वर्णन है, ये संविधान के भाग चार में है ना, संविधान के भाग चार में जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है, इसके अंदर बोला गया है ना। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली थी, और इस सिद्धांत के अनुसार क्या था बेटा, राज्य प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। ठीक है, ये था। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, द हमारा सही है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।